बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 आईसीएसई पार्ट 2 की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था, ठीक है, व्हेन इट वाज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और हमने राइट हैंड पाम रूल पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि बेसिकली वो जो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा था, वो उससे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब वो हम उस तरह से भी हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंटेशन से हम वी रीच टू दैट एक्सप्रेशन, व्हाट वाज दैट, एफ इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब हम कंडक्टर को तो रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स ऑन द होल कंडक्टर पे लग रहा था और जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, अब हम ये देखेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर एक्चुअली जब करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हर उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स, एक्चुअली वो फोर्स जो है वो हर उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है ना, जिसको हमने ऑन द कंडक्टर को, ऑन द होल कंडक्टर पे कंसीडर किया है पिछले आर्टिकल में, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स आर देयर विच आर देयर इन दिस कंडक्टर, वो उनके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ ये सपोज करते हैं, यानी कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम चार्ज पे फोर्स मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, उन हर चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक पीस ऑफ वायर कंसिडर कर लेते हैं एज अ कंडक्टर। सपोज देर आर इन विच देर आर एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम ले लें तो उसमें एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में, मैं पूरे कंडक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। अब ये कंडक्टर का सपोज इट्स लेंथ इज एल, ठीक है, एंड देर आर एंड द एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन ऑफ दिस पीस ऑफ वायर और दिस कंडक्टर इज कैपिटल ए, तो इसका वॉल्यूम ऑफ दिस वायर सेगमेंट या कंडक्टर विल बी हाउ मच, ए इंटू एल, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ विल गिव अस द वॉल्यूम। तो अब अगर हम ये कहें कि देर आर एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम यानी कि वन क्यूबिक सेंटीमीटर या वन क्यूबिक मीटर में अगर एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं तो पूरे कंडक्टर में कितने होंगे, एन मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन दैट वायर सेगमेंट, एन ए एल, ठीक है। अब हर चार्ज ईच चार्ज कैरियर, जो चार्ज कैरियर है, जो चार्ज पार्टिकल है, हैज़ हाउ मच चार्ज, q चार्ज। तो अब हम लिखेंगे कि सो द टोटल चार्ज इन दिस वायर सेगमेंट विल बी हाउ मच, कि जो उसका पूरा टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं इस पूरे सेगमेंट में वो है एन ए एल, ठीक है। अब इसमें इस सारे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज ऑन देम, तो ये बन गया एन ए एल क्यू, एंड दिस गिव्स अस द टोटल चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल्स विच आर एग्जिस्टिंग और विच आर मूविंग इन दिस कंडक्टर फ्रॉम लेफ्ट फेस टू द राइट फेस एंड दे आर कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है। तो अब वी सी दैट कि ये टोटल चार्ज आ गया। अब ये जब मूवमेंट हो रही है चार्ज पार्टिकल्स की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कवरिंग अ डिस्टेंस एल, इट इज़ अकरिंग इन सम टाइम डेल्टा डी, कुछ स्मॉल टाइम लग रहा है, तो वी सी दैट दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी वी। तो अब ये वी को हम क्या लिख सकते हैं, आई शुड बी यूजिंग द सेम ब्लू पेन हियर, तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हमारा वही नाइन्थ क्लास का फॉर्मूला है, सिंपल सा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एल है हमारे पास और टाइम डेल्टा टी है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डेल्टा टी अगर हमें लिखना हो तो वी कैन राइट इट एज एल ओवर वी, ठीक है। नाउ वी सी दैट व्हाट इज़ करंट, करंट का क्या फॉर्मूला है, जो करंट, ये ऑल दीज चार्जेस आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, दे आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड फॉर्मिंग अ करंट, तो इट इज़ एक्चुअली द टोटल चार्ज मूविंग पर यूनिट टाइम, वी नो अबाउट दिस फॉर्मूला। अब क्यू जो है वो हमारे पास कितना आ गया है, एन ए एल स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से, और डेल्टा डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एल ओवर वी। ये वी फिर इसका मतलब है कि इट इज़ गोइंग इन द न्यूमरेटर, इन द नेक्स्ट स्टेप वो मैंने यहीं पे मिटा दिया, तो आई सी दैट कि ये एल और ये एल कैंसिल हो गया एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ करंट एज एन ए एल
सॉरी एल नहीं है, एन ए क्यू वी, ठीक है. नाउ वी सी दैट फोर्स ऑन द सेगमेंट एल, इस एल सेगमेंट पे जो फोर्स है वो कितने के बराबर है. वी सी दैट इट इज़ इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इज़न्ट इट. ठीक है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. अब इसमें ही हम आई की जगह पर अब क्या रखेंगे, इट इज़ एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी. ठीक है, अब वी सी दैट ये जो एल वेक्टर हम ले रहे हैं ये इसी डायरेक्शन, वी की भी यही डायरेक्शन है. ठीक है ना, से वी ऑल द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो अगर हम सिर्फ इस क्वांटिटी को देखें, एक्चुअली ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं और ये वाली वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे ली हुई है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये हम मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. अच्छा, अब अगर हम सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर करें तो वी एल कैन बी रिटन एज, एक्चुअली ये जो वेक्टर एल है, ये वी को मैंने ऐसे ही लिख दिया, इट इज़ जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. वेक्टर एल आप याद करें अगर तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड विदाउट एनी एरो ओवर इट एंड इट्स डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एल हैट. ठीक है, दिस इज़ द डायरेक्शन. अब ये एल जो है इसकी डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स की, तो मैं इसकी जगह वी, जो वेलोसिटी वी है, वेक्टर वी है, उसका डायरेक्शन भी एल की जगह यूज़ कर सकती हूँ. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आई विल राइट हियर वी एल एंड वी हैट, एल हैट लिख लूँ या वी हैट लिख लूँ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैं यहाँ ये चेंज कर सकती हूँ. और ये क्यों किया, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब आई विल एसोशिएट दिस डायरेक्शन विद दिस एंड मेक दिस स्केलर क्वांटिटी ऑफ वी एज वेक्टर क्वांटिटी. ये जो मैंने एल वेक्टर को एल और एल हैट लिखा था, अब मैंने वी और वी हैट को वी वेक्टर लिख दिया और एल मेरे पास मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ गया. ठीक है, तो ये अब यानी कि मेरे पास एक्सप्रेशन जो था ये वी स्केलर एंड एल वेक्टर हैज़ कन्वर्टेड टू वी वेक्टर एंड एल स्केलर. फ़ायदा क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन में हम इसमें से अब वी को अंदर लिख लेंगे और एल को बाहर लिख लेंगे, तो आई गेट एफ इज़ इक्वल टू, अब ये एक्चुअली ये सारा हम देख रहे हैं कि फॉर द सेगमेंट एल ले रहे हैं. ठीक है ना, तो ये एफ एल आ रहा है हमारे पास फॉर द सेगमेंट एल, वायर सेगमेंट एल. तो ये अब हमारे पास आ रहा है एन ए क्यू वी, वी नहीं, ठीक है. अब क्या चीज़ बाहर आएगी, एल बाहर होगी और ये वी वेक्टर अंदर होगा, तो आई गेट वी क्रॉस वी. ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन एल क्रॉस बी था इट हैज़ कन्वर्टेड टू वी क्रॉस बी हियर. ठीक है ना, अब हम ये देखते हैं कि ये तो आया फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड टू इट. तो दैट मीन्स के द फोर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाई a unit charge, force experienced by a unit charge will be how much, ये मैंने आपको बताया कि this is the force experienced by total number of charge particles ना, n a l q, n a l q total charge particles से, जबकि एक charge particle के लिए जो force experienced होगा that is f and that would be f l divided by n a q. ठीक है, n a sorry n a l एन ए एल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम सिर्फ डिवाइड कर दें तो ये एक चार्ज के ऊपर फोर्स आ जाएगा. और ये एक्सप्रेशन हमारे पास फिर क्या आ गया कि यानी कि पहला पार्ट हमने ये सॉल्व किया है नंबर वन, फिर हमने ये सॉल्व किया नंबर टू, फिर हमने ये सॉल्व किया नंबर थ्री. ठीक है, अब मैं इधर आ रही हूँ फोर्थ पार्ट, ओके इसको मैं मिटा देती हूँ. आई राइट द फोर्थ पार्ट हियर के अब F इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, फाइनली वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज के लिए एफ एल ओवर एन ए एल. एफ एल है एन ए क्यू एल, ये वाला एक्सप्रेशन V क्रॉस B डिवाइडेड बाई एन ए एल, ये ठीक है, ये सारा चीज़ जो है कैंसिल हो गया एंड आई गेट F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B. दिस इज़ द
force experienced by the charged particle when placed in a magnetic field in which it is moving with velocity v, and v and b are perpendicular to each other. You can see the situation. और क्रॉस प्रोडक्ट है, उसी सिचुएशन में मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा होगा और मैक्सिमम फोर्स जो है वो भी तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा यूजिंग द राइट हैंड रूल. ठीक है, इसमें इसी तरह ही है कि आप मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स से शो करते हैं और इससे थंब से आप वेलोसिटी शो करेंगे एंड पाम विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द एग्जर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल्स, जिसकी वजह से कंडक्टर विल बी मूविंग इन दिस वे. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. ये क्यों जी, मैं ये बता रही थी कि जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है अगर, तो हम इसको एफ इजिकल टू ई वी क्रॉस बी लिखेंगे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो दिस वुड बी माइनस ई वी क्रॉस बी. मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन वगैरह कोई हो सकता है, और ई का मतलब है चार्ज ऑन दैट चार्ज पार्टिकल, दैट इज़ 1.6 इंटू 10 एस पर माइनस 19. अच्छा, अब वी सी दैट कि दोनों केसेस में एफ का जो ये प्लस और माइनस का फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स का जो डायरेक्शन चेंज होगी वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, वो इस तरह से है कि ये जो रूल हमें पता चला है फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी फार्मूला, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है और राइट हैंड रूल है. फॉर एग्जांपल, ये बी इज़ इन द अपर डायरेक्शन, फिंगर्स विल बी पॉइंटिंग इन द अपर डायरेक्शन, दिस थंब विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वी लाइक दिस, द पाम इज़ पॉइंटिंग कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज पार्टिकल्स है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, इट वुड बी अवे फ्रॉम द बोर्ड. ठीक है, लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ तो रूल यही लगेगा, राइट हैंड पाम रूल, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी यही है और वी की डायरेक्शन भी यही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स इन टू द बोर्ड, एक अवे फ्रॉम द बोर्ड एंड इन टू द बोर्ड, तो दैट इज़ द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा आर्टिकल समझ आ गया होगा आपको. अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, बल्कि डायग्राम दी हुई है, उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगी, और वो इस तरह से है. दो आपको नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स दिए हुए हैं, दिस इज़ नॉर्थ, ठीक है, एंड दिस इज़ साउथ गिवन. दीज आर द सिंगल पोल्स ऑफ द पर्टिकुलर मैग्नेट शोन हियर, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज़ नाउ हैज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस. ठीक है ना, ये बुक में आपके डायग्राम है, इट इज़ 14.9, ठीक है, आई थिंक इट इज़ 9. यस, ठीक है, तो वी सी दैट कि इसमें अगर हम चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं परपेंडिकुलर टू इट, इस तरह से, ठीक है, दिस इज़ द चार्ज पार्टिकल विच इज़ एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्रीज. ठीक है ना, तो इसको मैं ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस विद द मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या होगा, अब ये चार्ज पार्टिकल, दिस कुड बी प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दिस कुड बी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो राइट हैंड रूल हमें बताता है कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर परपेंडिकुलरली हुआ तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंटिंग बाई द फिंगर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विल बी बाई थंब, एंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विल बी इन द अपर डायरेक्शन. इट मीन्स द पार्टिकल विच इज़ एंटर्ड इन टू दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल change its path and it will start going in the upward direction. This is the force exerted on the positive charge particle. ठीक है, अब अगर ये negative charge particle हुआ तो rule वही लगेगा, right hand palm rule, लेकिन ये negative charge particle जैसे ही enter हो रहा है तो मैंने सारी चीज़ें वैसे ही रखनी है, magnetic field pointing from north to south and velocity is like this, तो palm जो upward show कर रहा है here, if it is the negative charge particle, the direction of the upward force act kar raha tha, so the direction will be in the downward direction, and the charge particle which is negatively charged will be going down like this, theek hai, will be exerted with a force which would be directing it in the downward direction. That means ki yahan on the whole hame ye situation samajh mein aati hai कि चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो इट स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स पाथ इनटू अ कर्व्ड वन. ठीक है, और अपवर्ड अगर है, एंड कर्व का भी जो डायरेक्शन है वो कैसे मिलेगा, बाय राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल इज़ फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ये नेगेटिव है
तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दैट इज़ इट अबाउट द F इज इक्वल टू व्यू क्यू वी क्रॉस वी. आगे के आर्टिकल्स अगले वीडियोस में देखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. फिजिक्स पेज चैनल का नाम याद रखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.